लो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये वैगनर है, 2014 का मॉडल है और हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं क्योंकि इसका कूलिंग कॉइल लीकेज है। इसकी वजह से हम इसका कूलिंग कॉइल रिप्लेस करेंगे। कूलिंग कॉइल के लिए तो इसका इजीली खुल जाता है साइड से, लेकिन बट हम इसका हीटर भी चेंज करेंगे। हीटर जो कॉइल रहती है डैशबोर्ड के अंदर, वो भी चेंज करेंगे। इसकी वजह से हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। तो आप अगर, हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज। आप देख रहे हैं, फिर हम इसको खोल के दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने कॉन्सोल बॉक्स खोला। कॉन्सोल बॉक्स खोल के ये गियर बॉक्स जो है, मैंने इसको पल्टी मार दिया। पल्टी मारने के बाद ग्लो बॉक्स खोला। ग्लो बॉक्स खोलने के बाद ये वाली केबल निकाला आउटसाइड एयर का। उसके बाद रेजिस्टेंस का सॉकेट और ये दो सॉकेट, जो कि एक ब्लोअर का है और एक अर्थिंग का है। और यहाँ इधर 12 नंबर जो रहता है वो खोला। उसके बाद ये 10 नंबर खोला। इसके बाद आपको दिखा देता हूँ इधर का भी, दो 12 नंबर खोल दिया। ये अर्थिंग का है, ये वाली अर्थिंग का, और ये एंटीना का केबल है। और ये सब सॉकेट आपको निकालना पड़ेगा। ये जितने भी सॉकेट है, एक दो चार पाँच सॉकेट ये है और ये अर्थिंग का। उसके बाद ये स्टेयरिंग एंगल नीचे से खोल लिया हूँ, यहाँ से लूज करके ऊपर ले लिया हूँ। और इधर का दो केबल, एक मोड का केबल, एक हीटर का केबल खोलना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये रही, यहाँ से यहाँ एक पट्टी रहती है, वो पट्टी खोलना पड़ेगा और आपका डैशबोर्ड इजीली बाहर आ जाएगा। तो चलो अब हम इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने डैशबोर्ड पल्टी मार चुका है इसका, और ये क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट इधर ही रह गया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। आप देख पा रहे हैं, हम इसको बाहर निकाल के फिर इसका हीटर और कूलिंग कॉइल दोनों चेंज करेंगे। आप देख पा रहे हैं, आपको थोड़ा मैं बाहर दिखा देता हूँ। ये जो हीटर कॉइल देख रहे हैं आप, ये सड़ गया था, इसकी वजह से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ से लीक हो रहा था और किसी ने इसको डायरेक्ट करके रखा है, इसकी वजह से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। आप हमारे से जुड़े रहिए, आगे का प्रोसेस हम बता। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कूलिंग कॉइल के पास भी खोल दिया था। हीटर का पाइप तो इसमें था नहीं, ऑलरेडी कैंसिल था, इसकी वजह से हीटर खोलने की ज़रूरत नहीं है अभी हमको। तो हम फिर यहाँ खोल के फिर आगे कंट्रोल यूनिट बाहर निकालते हैं। आपको बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। ये रही एक, यहाँ जो खोल रहा हूँ वो दिख रहा होगा, और एक रही ये। टोटल इसमें 6-10 नंबर बोल्ट थे, जो कि दो नट थे और 4 बोल्ट था। मैंने खोल दिया, अभी बिजली बाहर आ रहा है। अब हम इसको बाहर लेते हैं, बाहर लेकर के फिर आपको दिखाऊंगा। देखिए, अब बिजली पूरा बाहर आ चुका है। अब हम इसको बाहर लेकर के आपको दिखा रहे हैं। हम इसको बाहर लिए हैं, ये देख रहे हैं, इसको बाहर लेकर खोले हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 स्क्रू खोलेंगे, ये इजिली इससे अलग हो जाएगा। अब हम इसका कूलिंग कॉइल और हीटर कॉइल देख रहे हैं, सर गया है पूरा अंदर से, और कूलिंग कॉइल भी देख रहे हैं। खोलते हैं फिर खोल के आप, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कूलिंग कॉइल देख रहे हैं आप, सरने को आया है बिल्कुल, इसकी वजह से लीक हो गया है। और हीटर कॉइल का भी पोजीशन वही है, पूरा अंदर से ब्लॉक हो गया था, इसकी वजह से हम देखो लीकेज होकर के ये कूलेंट इधर आकर के गिर रहा था, इसकी वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो आप, हम नया मंगाए हैं, नया पार्ट जो मारुति से मंगाए हैं, देख रहे हैं आप, ये कूलिंग कॉइल हो गया और ये हीटर कॉइल हो गया, दोनों भी मंगाए हैं। अब हम इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद फिर हम आप, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसमें फिटिंग कर दिया है। ये स्पंज का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये स्पंज अगर सड़ गया या फिर कुछ हो गया तो रिप्लेस कर दे। जो स्पंज दिख रही है, ये स्पंज से होता क्या है कि आपका कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। ये स्पंज अगर सड़ जाएगा तो एयर का फ्लो भी नहीं आएगा, फ्लैप के अंदर रहेगा। तो फिर चलो हम अब आगे फिटिंग करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आउटसाइड एयर का स्पंज पूरा सड़ गया है फ्लैप का, इस वजह से हम इसमें नया स्पंज डालेंगे। ये स्पंज लाया हूँ, आप देख रहे हैं, मैं खोला हूँ, फिर स्पंज लाया कि फिर आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको स्पंज लगा दिया है। अब ये प्रॉपर हो रहा है, प्रॉपर फिट हो रहा है। आप एक बार घुमा के भी देख लें, प्रॉपर बैठना मांगता है। और इससे होता क्या है, आउटसाइड की एयर जब अंदर आएगी ना, तो कूलिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, बस यही रीज़न है। और दूसरा, नॉइज़ नहीं आता है, मतलब आवाज़ नहीं करेगा आपका फ्लैप जब घुमाएंगे तो। जैसा कि देख रहे हैं आप, अंदर पूरा फिट हो चुका है, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट पूरा फिट हो चुका है। अब हम बाहर जा रहे हैं फिटिंग करने के लिए इसका। हम देख रहे हैं आप, पूरा फिट हो चुका है। का जो पाइप है, हीटर का जो पाइप अंदर से निकला है डैशबोर्ड से, कंट्रोल यूनिट से, तो हम ये दोनों पाइप, उसका होस पाइप नया डालेंगे, क्योंकि ये पाइप फटा हुआ है, इसकी वजह से वहाँ से हम ये नया फिटिंग करके फिर आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हीटर का दोनों पाइप लगा दिया है,
ये दोनों पाइप लगा दिया है और इधर भी लगा दिया हूँ। कूलिंग कॉइल का एक्सटेंशन वॉल के पास का जॉइंट भी फिट हो चुका है। अब हम आगे डैशबोर्ड वगैरह डालते हैं फिर आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं हम सब फिटिंग कर चुके हैं, डैशबोर्ड वगैरह डाल दिए हैं इसमें, सब वगैरह सॉकेट वगैरह सब लोअर वगैरह जितना भी था सब फिट कर चुके हैं, सॉकेट वगैरह लगा चुके हैं। देख लीजिए स्टेयरिंग वगैरह सब फिट कर चुके हैं, बचा गेयरबॉक्स भी डाल दिए हैं। अब हम सब फिट करके एसी चालू करके गाड़ी चालू करके एसी चालू करके हीटर वगैरह सबका टेम्परेचर हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पानी भी इसको फिट कर दिया, गैस स्टार्टिंग वगैरह सब हो चुका है, देख रहे हैं गाड़ी चालू है और अंदर कूलिंग टेम्परेचर देख लेते हैं कितना हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं आप गाड़ी चालू है अभी और एसी हमने चालू रखा है और अंदर कूलिंग टेम्परेचर देख लेता हूँ कितना है, यानी 5.5 पे आ चुका है, 5.3 यानी बहुत नीचे जा रहा है, यानी मस्त कूलिंग हो रहा है अभी। प्रॉपर सिस्टम सभी सिस्टम हो चुका है, हीटर कॉइल हमने डाला था इसमें, कूलिंग कॉइल डाल के सब होकर के फिटिंग होकर के हो चुका है। हेलो गाइस, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज प्लीज। और एक चीज हम हीटर टेम्परेचर इसमें देख लेते हैं कितना जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हीटर हाई पे रखा हूँ, ब्लोअर 2 पे रखा हूँ और हीटर टेम्परेचर आपको दिखा दे रहा हूँ 60 पे चला गया है, यानी सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है। थैंक्स फॉर